बरतानिया में गिरफ्तार तारकीन ने वतन की पहली खेप रवांडा में मुंतकिल करने की तैयारी मुकम्मल की। गाली 5700 अपराध को कबूल करने पर रजामंद। बरतानवे सुप्रीम कोर्ट ने डिपोर्टेशन के खिलाफ फैसला सुनाया था। बरतानवी हुकूमत ने इस बात की तस्दीक की है कि मुतद्दद गैर कानूनी तारकीन वतन को तहवील में लिया गया है, जिन्हें नई मुतनाज़ पॉलिसी के तहत जुलाई में रवांडा भेजा जाएगा। बरतानवी पार्लियामेंट ने कई माह तक शदीद नोयत के मुबाइस के बाद गुज़िश्ता हफ्ते एक कानून की मंजूरी दे दी है, जिसके तहत रवांडा महफूज थर्ड कंट्री है जहाँ इन गैर कानूनी तारकीन वतन को भेजा जाएगा जो सियासी पनाह की तलाश में बरतानिया आए थे। गैर कानूनी इन तारकीन वतन से निपटने का नया कानून बरतानवी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुनाफी है, जिसने कहा था कि सियासी पनाह के मतलाशी अफराद को रवांडा भेजना खतरनाक होगा क्योंकि वहां इनकी जिंदगी को खतरा हो सकता है। बरतानवी वजीर आजम ऋषि सोनिक ने कहा है कि मेनलैंड यूरोप से कश्तियों के जरिए बरतानिया पहुंचने वाले गैर कानूनी तारकीन वतन को हिरासत में लिया जाएगा ताकि 10 से 12 हफ्तों में शुरू होने वाले डिपोर्टेशन फ्लाइट्स के जरिए इन्हें उनके आबाई वतन वापस भेजा जा सके।